भगवान शिव की माला में गुथे 108 मुंड किसके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा का विषय यही है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों भगवान शिव और माता सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। माता सती का यज्ञ कुंड में आत्मदाह करना, फिर माता सती के शव को उठाकर भगवान शिव का तांडव करना, यह सब कुछ भगवान शिव की ही एक लीला थी। और भगवान शिव की इस लीला के चलते ही 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। भगवान शिव ने माता सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें अपने इस शरीर का त्याग करना होगा, और उसी समय भगवान शिव ने माता सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। तो कहानी कुछ इस तरह की है, एक बार नारद जी के उकसाने पर माता सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंडों की माला है उसका क्या रहस्य है। जब काफी समझाने पर भी माता सती ना मानी तो भगवान शिव ने राज को खोल ही दिया। फिर भगवान शिव ने बताया कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी कि सिर है वह सभी आपके ही मुंड हैं। फिर माता सती यह बात सुनकर हैरान रह गईं। फिर माता सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर भगवान शिव बोले, यह आपका 108वां जन्म है, इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर का त्याग कर चुकी हैं, और ये सभी मुंड आपके उन पूर्व जन्मों की निशानी है, और अभी इस माला में एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता सती ने उनसे कहा कि मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते हो। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। फिर जब भगवान शिव माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा नहीं सुन पाई, और उन्हें अमर कथा का ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए भी माता सती को दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, और भगवान शिव ने सती के भी मुंड को अपनी माला में गुथ लिया। इस प्रकार 108 मुंडों की माला तैयार हो गई। फिर माता सती का अगला जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ, और इस जन्म में माता पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ, और उन्हें फिर कभी शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों ये है भगवान शिव के गले में उपस्थित 108 मुंड मालाओं की कथा। तो अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।